दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एस एनडीबीसी। तो पिछले कई महीनों से दोस्तों पोल्ट्री में जो चल रहा है और इस प्रकार की दुविधा है कि मान के चले कि कोई भी ऐसा किसान नहीं है अभी के टाइम पे जो इस लाइन से खुश हो, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसान अगर प्राइवेट फार्मिंग कर रहा है जो बंदा, उसका भाई बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो जा रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग तो चलो जो उनको मिलता है वो उनके लिए ठीक रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोस्तों उनका कुछ लगना तो है नहीं, उनकी अपनी मेहनत लगती है, उसके साथ में मेहनत के साथ में उनका अपना मान के चलिए कि भाई लेबर चार्ज प्लस भूसी का, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो कि कंपनी नहीं देती है वो उन दवाओं का। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो उनका भी मान के चलिए कि लगभग अगर 2000 की फार्मिंग करते हैं दोस्तों, अगर कोई किसान भाई 2000 की फार्मिंग करता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो मान के चलिए कि उसका भी लगभग 10,000 रुपए का खर्चा आ ही जाता है अगर इस टाइम पे देखा जाए, जबकि इतना मतलब ठंडी के मौसम में। तो ठंडक में तो भाई जाहिर सी बात है कि सबके खर्चे ज्यादा होने। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला वो तो अपना जितना मिलता है, अगर उसकी उसका एफसीआर सही रहा, उसका बुक ठीक ठाक रहा और प्रोडक्शन कास्ट ठीक ठाक रहा, तो उसको तो जो कंपनी का निर्धारित है वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन वो भी मार खाते हैं। कैसे मार खाते हैं वो चीज मैं बताता हूं। देखिए, इस पे रेट इंसेंटिव मिलता है दोस्तों, रेट इंसेंटिव। वो कैसे मिलता है, कब मिलता है, किस सिचुएशन में मिलता है, वो चीज मैं बताने वाला हूं। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है और मुर्गा उस टाइम पे जब उसका माल तैयार हुआ है तो मुर्गे का रेट जानते हैं, उस टाइम पे मुर्गे का रेट जो है वो पहुंच गया 115 रुपए। तो कंपनी रेट इंसेंटिव देना कब से शुरू करती है वो चीज समझिए पहले। 95 से अगर अब जा रहा है, ऊपर जा रहा है दोस्तों, तो कंपनी क्या करती है कि किसानों को रेट इंसेंटिव देना शुरू करती है। 95 से लेके 100 के बीच में रहेगा तो उसमें आपको मात्र 50 पैसे मिलेंगे, 50 पैसे मिलेंगे, ना कि 50 रुपए, समझिएगा, थोड़ा ये समझने की बात है। अगर 100 से प्लस में गए तो वहां पे हो सकता ये और बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, 10 पैसे के हिसाब से कर दिया जाता है, कभी कभी 20 पैसे 30 पैसे, मतलब ऐसे ही जितना ऊपर जाएगा तो वो आपका रेट इंसेंटिव बढ़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वालों के दिल से पूछिए दोस्तों कि उनको रुपए में और पैसे में फर्क अगर देखा जाए सही मायने में तो उन्हीं से पूछिए, क्योंकि उनको पैसे में जो मिल जाता है, अगर मान लीजिए रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे पॉइंट मान लीजिए 95 पैसा मिल गया रेट इंसेंटिव का, तो आपका तो सीधे सीधे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से होता है। खैर, ये तो बात हो गई कि उनको रेट इंसेंटिव मिलता कब है, यानी 95 से ऊपर जाएंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता है उसको भी कंपनी क्या करती है कि रेट इंसेंटिव देती है, उनके भी पैसे इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब बारी आती है दोस्तों कि कमाता कौन है आज के डेट में, जबरदस्त पैसे कौन कमाता है। तो बताना नहीं, मतलब बता रहे हैं आपको दोस्तों, मतलब मैंने सोचा था कि इस चीज को क्या मतलब बताया जाए। इसमें पैसे अभी के टाइम पे सबसे बेहतर पैसे जो कमा रहा है वो कमा रहा है जो गाड़ी जिसने रखी है, ट्रेडिंग काम करने वाला बंदा। आप 40 दिन मेहनत करते हैं दोस्तों, आप 25 लाख रुपए तक के बहुत ऐसे मैं उसको छोड़िए 25 लाख छोड़िए, मात्र आपने अगर 3000 मुर्गे का पक्का सेट बनाया तो आपका 4.5 लाख रुपए का खर्चा आया होगा। इसके बाद 4.5 लाख रुपए से आप लगाते हैं प्लस 20,000 रुपए का और मैनेज अरेंज करके फिर आप चूजा डालते हैं। चूजा डालने के बाद आप 40 दिन मेहनत करते हैं तो आपको मिलता है 10 रुपया केजी के हिसाब से, कभी कभी
वरना कंपनियां तो 8 रुपए पे ही 8 रुपए केजी देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसमें कम भी हो जाता है और काफी कम हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो ये तो बात की बात है। अब बारी आती है कि ट्रेडिंग वाला कैसे कमाता है। ट्रेडिंग वाला दोस्तों करता क्या है कि वो आपका गया, अगर आपके मुर्गे में डिजीज लगी है तो वो माइनस करके लेगा। यानी रेट खुला है 84 रुपए का, तो वो कितने में कहेगा, वो कहेगा 75 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं मैं जा रहा हूं। तो एक प्लस पॉइंट उसका वो हो गया, वहां से पैसे कमा लिया। फिर अगर आपका सब कुछ सही है, आपके मुर्गे का बॉडी वेट सही है और आपका मुर्गा सब कुछ सही, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लेके आएगा और लेके आने के बाद में वो क्या करेगा कि कटर वाले को बेचेगा। कटर वाले को जब बेचेगा दोस्तों तो क्या करेगा जानते हैं, 10 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचेगा। यानी ये अगर मुर्गा 2 केजी का है तो उसको सीधा 20 रुपए का प्रॉफिट लेके रात भर के अंदर वो कटर वाले को बेचता है। उनका नुकसान कैसे लगता है वो भी बता दूं, जो ट्रेडिंग वाले हैं उनका नुकसान, अगर उनको डिजीज वाला मुर्गा मिल गया उस रास्ते में ही बहुत सारी मोर्टेलिटी हो गई तो उनको नुकसान हो गया, तब उनको उनका नुकसान होता है। लेकिन ये बाई चांस होता है, लेकिन वो अगर बीमार मुर्गा है तो वो लोग भी उसका डिस्काउंट करा के ही लेते हैं। तो जबरदस्त पैसे ट्रेडिंग वाला कमा रहा है, उसको रेट से कोई लेना देना नहीं है। आपका मुर्गा 60 रुपए किलो बिकेगा तो कटर वाले को 70 रुपए किलो देगा, उसको रेट से, रेट के लिए लड़ाई नहीं करनी है। रेट के लिए लड़ाई करनी है तो सिर्फ किसानों को। सेकंड नंबर पे आता है कि पैसे कौन कमाता है, तो जो मुर्गे कटर वाले हैं, कटर वाले जितने भी हैं वो बहुत जबरदस्त पैसा कमाते हैं। कैसे, मान के चलिए कि भाई आपको रेट पता है, हमें रेट पता है, गाड़ी वाले को रेट पता है, कंपनी वाले को रेट पता है, लेकिन जो हमारा लोकल का किसान है जो कि मार्केट में जा करके मीट खरीदता है, उसको तो मालूम नहीं है कि चिकन का क्या भाव चल रहा है। ऐसे में वो क्या करता है कि 110, 120, कभी कभी 100 रुपए में ऐसे ही वो बेचता है। तो वो अपना जितना उसको, जैसे मान लीजिए कि उसको आज के डेट में अगर 90 रुपए में मुर्गा उतरा है तो वो क्या भाव में बेचेगा, वो 110 रुपया बेचेगा। यानी सीधा सीधा अगर उस कटर वाले की दुकान इतनी सक्सेस है, सक्सेसफुल्ली चल रही है कि उसके यहाँ हर दिन का माल, मान के चलिए कि अगर पर डे उस दुकानदार के यहाँ अगर 50 केजी माल बिक रहा है, अगर उसने खड़ा पीस ही बेच दिया तो एक मुर्गे पे, एक किलो पे वो कितना लेता है, 10 से 15 रुपए के बीच में वो लेता है। उसने एक कुंटल बेचा तो सीधा सीधा उसका 1000 रुपए एक कुंटल पे खड़े हो गए, प्लस काट के जब बेचता है तो वही मीट का रेट, जैसे अभी कई जगह कई प्रकार से रेट चलता है दोस्तों। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं अपनी अपने दुकान की बात करूं, अगर तो मेरे पास 3 दुकानें जो कि हैं, और वो तीनों पे, एक दुकान ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वहां पे मुर्गे सस्ते बेचे जाते हैं, एक दुकान मार्केट में है जहां पे अपनी मर्जी से मुर्गे बेचे जाते हैं, एक दुकान ऐसी जगह है जहां पे मतलब बेचना है अब सब लोग को लेके साथ में, क्योंकि वहां पे माल भी जाता है अपना, तो सारी मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम लोग को बिजनेस करना होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस दुकान पे अगर मान लीजिए कि 50 केजी बिक रहा है और वहां पे एक किलो के पीछे अगर 20 रुपए का फायदा लेके बेचा जा रहा है, अगर 50 किलो बिक गया तो आप समझ लीजिए कितने का प्रॉफिट होता है। तो कुल मिला के दोस्तों अभी के सिचुएशन में मुर्गा पालन करने वाला किसान जो है वो नहीं पैसे कमा रहा है। पैसे कमा कौन रहा है, पैसे कमा रहा है गाड़ी वाला यानी ट्रेडर्स कमा रहा है, और उसके बाद में जो कटिंग करता है वो कमा रहा है, ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं अभी। जैसे कि दोस्तों इस इन सारी चीजों के बारे में मुझे अच्छे से नॉलेज है क्योंकि मेरे पास भी दुकानें हैं, मैं भी दुकान चलवाता हूं, और अभी बहुत ही जल्द मेरी बात चल रही है, मैं गाड़ी भी लेने वाला हूं ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि अभी जहां पे मैं माल देता हूं कुछ ऐसी जगह है जहां पे मेरी दुकानें हैं, वहां पे अपने दुकान पे माल देना ही होता है, प्लस 2-3 लोग और हैं उनको भी मैं माल देता हूं, लेकिन मेरे पास अभी ट्रेडिंग के लिए गाड़ी नहीं है, तो वो गाड़ी मैं लाने वाला हूं। देखो दोस्तों मुर्गा पालन में पैसे कमाना है तो आपको सारा सिस्टम
जो इसका सिस्टम है उस सिस्टम को समझना पड़ेगा, यानी कब किसमें दिक्कत आ रही है उस चीज को समझना पड़ेगा और कहां से पैसे कमाने हैं उस चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने इन सारी चीजों को समझ लिया है ढंग से तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। यानी जो मेरा इधर नुकसान हुआ था अभी पिछले दिनों में, उसको मेरी दुकानों से निकला। इसीलिए दोस्तों मैं अभी मुर्गे बिल्कुल डालना बंद कर रखा हूं, कहीं बस अपनी दुकान पे जितना निकलता है वही 800, 700, 500 के हिसाब से मैं डलवाता हूं, अपनी दुकानों पे ही बिकता है। बाकी बड़ी बल्क में अगर देखा जाए तो बल्क में मुर्गा पालन अभी मेरा बंद पड़ा है। जब सिचुएशन सही होगा, रेट अच्छा आएगा तो मैं डलवाऊंगा, नहीं तो अगर मैं अभी मान लीजिए कि तैश में आके डाल दूं तो हो सकता है कि मैं 50-60 हजार, कभी लाख, कभी 2 लाख रुपए के नुकसान में भी जा सकता हूं। तो इसलिए मैं रोक के रखा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं ये देखता हूं कहां से पैसे आएंगे उस पे मैं पैसे लगाता हूं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि भाई कहां से पैसे निकाले जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।